बहुत लोग बोल रहे हैं भुवन जोशी गलत है, बहुत लोग बोल रहे हैं तुम लोग सिर्फ एक साइड से देख रहे हो। तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, उसमें मैं आपको एक भी जगह पे गलत लगूँ तो आप मुझे बताइएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो कोशिश की थी जस्टिस दिलाने की वीडियो के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सफल हुई है। पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, उन पर आईपीसी सेक्शन 147, 149 और 304 लगाई गई है। आईपीसी 147, 149 दंगे भड़काने के लिए लगाई जाती है, जहाँ जो लोग दंगे भड़काते हैं उन पे लगाई जाती है, या गैरकानूनी रूप से एक समूह बना के अपनी मांग पूरी करने की कोशिश करने पे लगाई जाती है। आईपीसी सेक्शन 304 तब लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से मारता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो अब बात करते हैं कहानी के दूसरे पहलू की। कहीं ना कहीं भुवन जोशी की गलती थी, ये वीडियो देखिए। ये बैग को साइड दे, दो साइड वाले दे इसको। हाँ। ये हमारा बंदा है इसके बगल वाले जो। मैं दुकान में आया हूँ यार, दुकान वाले आ रहे हैं ना। कहाँ है दुकान? ये दुकान है यार सामने, वो आ रहे हैं। ये है जिसमें ताला लगा है, उनको फोन। अरे फोन कर रखा, आ रहे ना घर से। किसको? दुकान वालों को। कौन है? शुभू। जिसके साथ आप बैठे उसके पापा। उसके पापा? आप थोड़ा इधर बैठ जाओ फिर। कोई दिक्कत नहीं, हमने आपसे कुछ कहा नहीं, आप इधर बैठ जाओ। नहीं बैठ रहा यार। नहीं आपके साथ कुछ मारा पीट होगी, कोई अच्छा लगेगा? हमारे साथ मारपीट होगी? हाँ। हो सकती है बाबा, हो सकती है। अपने 40 बंदे यहाँ खड़े हैं, 40 बंदे ऊपर रोड पर खड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं यार, तुम अपना, हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। यहाँ पर भुवन जोशी की गलती थी, पर उसका ये मतलब नहीं था कि लोग अपने हाथ में कानून ले लें। और जिस लड़की से वो मिलने गया था उसका भी थोड़ा सा न्यूज वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे, वो देखिए। आप उनकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं थी। है ना, आपने 2 महीने में उनको जो है वीडियो कॉल की, वो भी नग्न अवस्था। अभी इस वीडियो को देख के सब लोगों को ये लग रहा है कि भुवन जोशी गलत है। चलो मान लेते हैं गलत है, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं था कि लोग अपने हाथ में कानून ले लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लोगों को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पर यहाँ पर जो भुवन जोशी का ह्यूमन राइट इफेक्ट हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, उसका क्या? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, किसी व्यक्ति को अगर चोट लगती है, कुछ होती है, तो सबसे पहले उसका मेडिकल होता है, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और फिर उसे थाने लेकर जाते हैं। इतनी मारपीट होने के बाद भुवन जोशी को थाने ले जाया गया, तो उसके पहले मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया? और अगर मेडिकल करवाया था तो फिर उसकी इतनी हालत कैसे खराब हो गई थाने में कि वो सुबह तक अपनी जान नहीं बचा पाए? उत्तराखंड गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मामले पर न्यायिक जाँच बिठाई जाए, और अगर उस डॉक्टर की गलती है जिसने बराबर मेडिकल नहीं किया, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, या फिर पुलिस वालों का कोई फॉल्ट है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर डॉक्टर ने ठीक से मेडिकल किया होता या पुलिस वालों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती, तो आज वो हमारे बीच में होता। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर न्यायिक जाँच बिठाई जाए। धन्यवाद।